चौहान जी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, तो हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी थी नगर थाने के अंदर, उस देने के बाद फिर दो तीन दिन के बाद गोली मार दी। हाँ भाई भैया गोली मार दी अंदर, यशोदा में एडमिट है। कहाँ पर गोली मारी गई है? सिर में गोली मारी है। ২০১৯ होली का दिन था, पहली घटना ये उस दिन हुई थी। हाँ। उस दिन भी ये छेड़छाड़ की वारदात थी। हाँ। जब हम विजयनगर थाने गए थे। हाँ। उन्होंने 151 में उनका चालान करके भेज दिया था। 2019 में 2019 में खास होली वाले दिन की वारदात। हाँ। है ये। उसके बाद फिर ये बात दब गई। उसके बाद दबने के बाद अभी 5-6 दिन पहले वो लड़का शराब पी के हमारे गली में आया। उसके साथ 3-4 लड़के और थे, उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी। मैं कल शाम भी समझाया था कि भैया जब आप लोगों से हमने मना कर दी हमारे मोहल्ले में मत आओ, तो आप लोग क्यों आते हो? इस पुलिस की कार्रवाई जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस ने तो कार्रवाई करी ही नहीं जी। अगर पुलिस वह कार्रवाई करती तो भैया ये आज दुर्घटना नहीं होती। विक्रम भाई की तबीयत कैसी है? विक्रम भाई की तबीयत भैया बहुत खराब है। विक्रम भाई तो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और लड़के तो उन्होंने पकड़ लिया, जिसने शूटर किया, जिसने गोली चलाई वो लड़का कहाँ है? जिसने रोड मारी वो लड़का कहाँ है? अभी तो 3 लड़के और गायब हैं, वो कहाँ हैं? वो भी तो हमें मिलने चाहिए, वो क्यों नहीं दिखाए पुलिस प्रशासन ने अभी तक? जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है।